तुम्हें पापा से मिलना पड़ेगा। तुम्हारी डिवोर्स से पहले मैं तुम्हारे पापा से हरगिज नहीं मिलूंगा। मिलने में क्या हर्ज है? वो गुस्सा नहीं करेंगे, और अगर गुस्सा करेंगे भी तो मेरे लिए बर्दाश्त कर लेना। अच्छा, तुम ये क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारे पापा से मिलके निकलूं तो अपनी ही नजरों में गिर चुका हूं? मैं भी तो रोज उनका सामना करती हूँ। उनकी कई दलीलें सुन के मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी, लेकिन जब मैं प्यार को हर तरह से जायज समझती हूँ तो उनकी दलीलों को सुनती भी हूँ और दलील से जवाब भी देती हूँ। और ये भी तो हो सकता है सर कि वो सिर्फ ये पूछें कि तुम माया को खुश रखोगे ना। और ये तो पुराना सवाल है, हर कोई अपने होने वाले दामाद से पूछता है। अरे मैं जानता हूं क्या पूछेंगे वो, पहली मुलाकात याद नहीं है? अब की बार तो बरस पड़ेंगे मुझ पर। तुम जम कर बैठना, हर सवाल का जवाब देना। अच्छा, ये बताओ कि मैं क्या कहूंगा जब वो ये पूछेंगे कि क्यों किसी का घर पर बात कर रहे हैं, या फिर क्या कहूंगा जब वो हाथ जोड़ कर कहेंगे कि तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। वो हाथ नहीं छोड़ेंगे। और तुम बस ये समझ के मिलो कि मिलना जरूरी है। मोहब्बत अपनी मर्जी से, शादी अब्बा की मर्जी से। प्लीज सैफ, अब प्यार में कोई कहां सोचता है कि पापा क्या कहेंगे, पापा क्या करेंगे। पर मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और अगर वो गुस्सा करे ना तो उनका गुस्सा सुन लेना, उनकी भड़ास निकल जाए तो हाथ जोड़ के कहना, माया के बगैर नहीं जी सकता। देखो, हाथ तो मैं नहीं जोड़ सकता, लेकिन ये जरूर उन्हें कह दूंगा, माया के बगैर नहीं जी सकता। एक सेकंड, सॉरी। हाँ तो ठीक है, तुम पापा से मुलाकात का वक्त डिसाइड कर लो, फिर मुझे बता देना। किसका फोन है? इम्मो है यार, उसकी तरफ जाना था मैंने। अच्छा चलो फिर, बाय बाय। हाँ हाँ आ रहा हूँ यार। अरे सुनो, गाड़ी तक छोड़ा? अभी नहीं। अंकल, संडे को मेरी फ्लाइट है, मेरे नए कोर्स की क्लासेस शुरू होने वाली है। तुम कल क्यों नहीं चले जाते? मतलब ये कि जान छुड़ाकर भागने के लिए कल का दिन भी बुरा नहीं है। Now I know you're joking. No, I'm not. अगर वो टूट गया तो मैं अकेला उसे समेट नहीं पाऊंगा। आप उसे जोड़ने की गलती भी ना करें। जो शख्स खुद से जुड़ नहीं सकता, उसे टूटने का भी कोई हक नहीं।